श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव खाल व टिब्बा के लोगों ने सड़क पक्की न होने के कारण सरकार के प्रति रोष दिखाते हुए 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया तथा गांव के लोगों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क बनाओ या वापस जाओ और सरकारें बदली पर हालात नहीं बदले, ऐसे नारे लगाते हुए मात्र 2 घंटों के लिए सांकेतिक धरना दिया। लोगों का कहना है कि हमने कुछ दिन पहले भी मीडिया के माध्यम से सरकार से सड़क पक्का करने के लिए गुहार लगाई थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए सरकार को चेतावनी और परामर्श देते हुए आज हमने मात्र 2 घंटों का ही सांकेतिक धरना दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि अगर 27 तारीख तक मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सड़क के बारे में कोई कार्रवाई सरकार या प्रशासन की ओर से नहीं की गई तो हम लोग 27 तारीख को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के श्री नैना देवी जी के दौरे के दिन इसी कच्ची सड़क पर बैठकर शांतिपूर्वक धरना देंगे तथा एक पहल संस्था के मुख्य प्रवक्ता अजय शर्मा ने कहा कि 27 तारीख को यह धरना प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के वापस जाने तक जारी रहेगा। आज हम लोग खाल गाँव में, जो कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है, उस गांव में हम लोग पिछले सप्ताह इस सड़क की दुर्दशा को लेके हमने सरकार के आगे गुहार लगाई थी। हमने ये कहा था कि ये सड़क महत्वपूर्ण है, ये सड़क कई लोगों की जान लेने का बाइस बन सकती है, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को अनदेखा किया। अब हमने आज 2 घंटे का 4 से 6 तक एक संकेतिक धरना दिया है, जिसमें हमने ये तय किया है कि जैसे हमारा पहले संकल्प था कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं, अगर सड़क नहीं होगी तो वोट नहीं दी जाएगी, सड़क बनाओ या वापस जाओ, अगर सड़क बनेगी तो किसी नेता को आने देंगे लेकिन अगर नहीं आने देंगे, और हमारी ये भी सरकार को चेतावनी भी है और एक परामर्श भी है कि 27 तारीख के जयराम जी के जो दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्सुक है, उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जयराम जी आपका प्रदेश गांव का प्रदेश है, आपके प्रदेश में बहुतात जनसंख्या गांव की है, हमारे हिंदुस्तान में 60% लोग गांव में रहते हैं, अगर गांव ऐसे होंगे जहां पे सड़कें लोगों की जान लेने का बाइस बनती हैं, जहाँ पे सड़कें जिसके ऊपर महिलाएं नहीं चल सकती, गर्भवती नहीं चल सकती, जिसके ऊपर बुजुर्ग नहीं चल सकता, जिसके ऊपर कोई वाहन नहीं चल सकता, ऐसी सरकार का, ऐसे प्रदेश का और ऐसे देश का क्या स्वाभिमान होगा कि अगर उसमें रहने वाले लोग ही स्वाभिमान के साथ और खुशी के साथ और सहूलत के साथ ना रह सके। हम लोग आपको ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि 27 तारीख को हम लोग फिर यहाँ पे बैठेंगे और हम ये जयराम जी को कहेंगे, हमारी यहाँ तो ना तो रणधीर शर्मा जी ने सुनी, ना हमारी ठाकुर रामलाल जी ने सुनी, अब हमारे पास इससे जो ऊंचे ओहदे वाले हैं वो जयराम जी हैं, तो हम लोग ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि 27 तारीख को हम यहाँ बैठेंगे और फिर ऐसे ही काले झंडे लेके, चाहे हमें कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन हम अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक ये सड़क नहीं बनती। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर हमें 27 तारीख तक इस सड़क के बाबत कोई ठोस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो 27 तारीख को हम सुबह यहाँ पे बैठेंगे 10 बजे के करीब, और जब तक जयराम जी इस हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं चले जाते तब तक हम उनका यहाँ पे इंतज़ार करेंगे ताकि वो हमारे यहाँ पे आएं और हमारी सड़क को देखें, क्योंकि हमारी किसी ने नहीं सुनी, अब हमारे पास एक ही साधन है, एक ही माध्यम है, वो जयराम ठाकुर है। देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएंगे। फिर आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप इस वार्ड से जीते हैं, आपने कभी इसके ऊपर कोई गौर नहीं की? अभी जीती हूँ, हाँ जी, पहले तो बड़ा जोर लगाया। अच्छा जी, हाँ जी, तो अभी आपने अभी अपनी पंचायत में इसके बारे में बोला या कोई रखा? बहुत बार बोला।
फिर उसके ऊपर क्या? अभी तो कुछ नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे बोलते हैं ये बन जाएगी, बनती नहीं। फिर आगे आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? क्या कर रहे हैं, नहीं तो वो बोल रहे हैं और कुछ नहीं करते। क्या समस्या है जी? 22 साल तो तुम इस कच्चे रोड ते हो गए जा रहे, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਥੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ? ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਸ